जुती बन गई देखो चीज कसती। सोशल मीडिया दिखाने का नहीं है, वो लोगों से कनेक्ट होने का एक जरिया मानता हूँ मैं। बोपा भाई हूँ, मेरी गुफा में आ जाना। बोपा भाई का चैप्टर कुछ और है। आपकी लाइफ में कोई बाबा हो ना हो, मतलब मगर बाबा की लाइफ में एक भोपे का होना बहुत जरूरी है। 15-20% लोग बात को पूरी को समझ पाते हैं जो प्रॉपर फेसबुकी होते हैं। और भाई नौकरी वाले देखोगे तो भाई सबके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट और वो होती है भाई साहब सिस्टम। परसों 40 का हो जाऊंगा जी मैं। आप कौन सी डेट पे जाते हैं? नई टी शर्ट डालोगे और यूंगे मैं तो डेट पे जा रहा हूँ। डेट वेट का कोई चक्कर ना। शुरू में मन ने भी चैटिंग सी करी, बाद में पता लगा तो आवासिंग था यार। इतने सवालों के जवाब तो मैं मैक में नहीं दिया करूँ। मगर जो सोशल मीडिया के कुछ गैंगस्टर हैं, उन्होंने भाई साहब ये देखिए 5 रुपए के पार्ले जी में बन रहा चौधरी। मैं तो देखो सीधी बात है, कहीं भी खा कमा सकता हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं है किसी भी काम में। 10 ग्रुप बना रखे हैं, 200-200 बंदे जोड़ रखे होंगे, उनको बताते इतने बजे लाइव आएंगे, इसको शेयर कर देना। बड़े बड़े लोगों ने पैसा खा लिया समाज का, समाज को कुछ नहीं फर्क पड़ा। सोशल मीडिया क्या है जी? सोशल मीडिया पे ये तड़का, बिना तड़के की दाल लोग पसंद नहीं करते यहाँ पे। तो मैं मजाक में लिखता हूँ भाई साहब, मैंने इसके लिए एक लड़का रखा हुआ है। मतलब नहीं, आप नौकरी कब करते हो? वहाँ नौकरी के लिए तो मैंने एक लड़का रखा हुआ है। बापू तो पूछता ही होगा ना, कुछ हो रहे हैं किड? ना आप क्या पूछेंगे सर, देखो हम भी बापू हैं अब तो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्य खबर पर। आज मेरे साथ हरियाणा के बोपा भाई हैं। नाम है संदीप बलारा, पर उनको बोपा भाई के नाम से लोग ज़्यादा जानने लगे हैं जब से वो मूवी आई है आश्रम वाली। और वो कहते हैं कि मेरी गुफा भी है। बड़ी बात यह है कि अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, पुलिस के जब अधिकारी टेंशन में रहते हैं, और ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपका मनोरंजन भी कर रहा हो और ख़ुद को भी इतना खुश रखता हो, तो लोग तो उसको देखना ही चाहते हैं। आजकल सोशल मीडिया पे सनसनी बने हुए हैं लोग, खूब सारे संदीप बलारा की मैं बात कर रहा हूँ इनको देखते हैं। संदीप जी, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। नमस्कार। और आपकी जो ये स्माइल है ना, सच में बहुत सारे लोगों के, मुझे जो लगता है टेंशन बड़ी दूर कर देती है दिन भर में। वो तो मैं क्या बता सकता हूँ सर, वो तो आपके साथ जिस प्रकार से आपकी फेसबुक पे लोगों के साथ कन्वर्सेशन होती है और लोग इतने मज़ेदार कमेंट देते हैं, आपसे छोटी उम्र के आधी उम्र के लड़के भी आपके दोस्त की तरह रहते हैं, तब नहीं लगता है कि कुछ अच्छा हो रहा है? हाँ, वो एक मतलब कमेंटों में ना अपने आप में एक मतलब खेल सा चलता है। और मेरा ये मानना है कि सोशल मीडिया पे जैसे लोग डालते हो, भाई साहब मैं शिमला चला गया, ये देखिए मैं वादियों में घूम रहा हूँ, वो दिखा करके अपना साइड हो जाते हैं। ये है कि मतलब सोशल मीडिया दिखाने का नहीं है, वो लोगों से कनेक्ट होने का एक जरिया मानता हूँ मैं। आप लोगों से कनेक्ट हो सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो फ्रस्ट्रेशन के इस दौर में, मतलब सोशल मीडिया से आप कनेक्ट हो, अच्छा एक मतलब ऑप्शन है। कई लोग तो बल्कि फ्रस्ट्रेट हो ही जाते हैं फेसबुक पर आपके यहाँ पर आते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है। हाँ बस ठीक है सर, मैं भी अपना एक मतलब ये भाई टाइम पास करते हैं, कुछ ना कुछ मन में आया लिख देते हैं, बाकी तो मतलब आप इस तरह की बात लिखते हैं कि कोई भी अफसर लिखते आने 100 बार सोचेगा। आप कैसे लिख लेते हैं इस प्रकार से सारी बातें? मैं बोपा भाई हूँ, मेरी गुफा में आ जाना। नहीं, बोपा भाई का चैप्टर कुछ और है। बोपा बाबा दे माइकल, ये चैप्टर कुछ और है। ये एक्चुअली वो पूरा समझाया नहीं जा सकता बोपा कौन है। तो ये तो एक फिल्म आई थी, मतलब वेब सीरीज आई थी, हमने भी देखी, वो पब्लिक ने देखी। मतलब बोपा भाई तो बड़े कांड करता है। मतलब वो क्या बोलते हैं ना, एक कहावत है बाबा, आपकी लाइफ में कोई बाबा हो ना हो, मतलब मगर बाबा की लाइफ में एक भोपे का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि भोपा बड़ा राजदार होता है, बाबा के सारे राजवाद जानता होता है वो, और बाबा के कुकर्मों पे पर्दा भोपा ही डालता है। मतलब जैसे मतलब एक है उस मूवी में, कुछ ऐसा ही है। उस मूवी को देख के आप अपने आप को बाबा मानते हैं, भोपा मानते हैं? अरे नहीं, मैं कुछ नहीं मानता।
कुछ नहीं मानता सर मैं, भोपा वोपा कुछ नहीं मानता, बस ऐसे ही है। आपकी फेसबुक पे तो जपनाम बड़ी रहती है। वो वैसे ही लिख देते हैं सर वो ना, एक फिल्म आई थी वो चल रहा था, एक मौसम था वो एक पिछले दिनों ना, मतलब सोशल मीडिया पे एक मौसम चला था, तो उस मौसम में हमने भी लिख दिया था। ठीक है जी, वो सारी बातें अब क्या बताऊँ मतलब ना मतलब सारी बातें आपने अपने फेसबुक पेज पर बतानी होती है। वो मैं बताया ना, वो लोग कमेंटों वाले आपस में हम खेलते रहते हैं मतलब वहाँ पे ना, वो एक अपने आप में एक मेरा भी टाइम पास होता है, उनका भी होता है, तो वो समझते हैं वो लोग। अब जैसे यहाँ पे देखेंगे ना खबर को, नहीं समझ पाएंगे लोग जो दिन में 2-4 घंटे फेसबुक चलाते हैं मान लिया उत्तर भारत के लोग, वो इसको समझ पाएंगे। और जो कभी कभी 4 दिन में फेसबुक चलाता है उसको कुछ समझ में नहीं आएगा भाई बाबा भोपा क्या है ये नहीं है। मतलब आश्रम मूवी को समझने के लिए उसके सारे के सारे पार्ट देखने पड़ेंगे। 15-20% लोग बात को पूरी को समझ पाते हैं जो प्रॉपर फेसबुक ही होते हैं, जो सारा दिन इधर का भी देखते हैं, उधर किसने क्या बोला उसने क्या बोला उधर से, तो वो समझते हैं। ठीक है जी, आप लिखते हैं कि मुझे एक आपका कमेंट लगा कि बहुत सारे ससुर हैं डेट पर जाना चाहते हैं पर बहुएं उन पर नजर रखती है, ये क्या है? नहीं नहीं, मतलब मैंने क्या लिखा था वो क्या था, देखो होता क्या है कि मतलब जो आजकल की बहू है या पिछले 10 साल पहले की जो बहुएं हैं वो सोचती है कि मैं अपने मतलब जो 55-60 साल के सास ससुर को सुधार दूं और मतलब वो मेरे हिसाब से चलें। तो मेरा ये मानना ये है कि भाई थोड़ा तू एडजस्ट कर ले, 10-20 साल में ये टपक जाने हैं तू मालिक होगी है ना, तो उसमें तो उनको क्या बदलोगे अब आप भाई 50-60 साल के आदमी को क्या बदलोगे? आप 25-30 साल के हो, आप उनके हिसाब से ढल जाओगे तो आपकी गृहस्थी अच्छी चलेगी। तो ये बहुत घरों की परेशानी है जी। ठीक है जी, किसी का मतलब जो है मैटर कोर्ट में चला जाता है, कोई अपना घर रोला करके थम जाता है, कोई अपना कान बोझ के ना अपना चुप बैठ जाता है। तो सबके घरों में तनाव का दौर है। इवन सच्ची दीवार बताऊं सर मतलब आज के टाइम पे क्या है कि जी लड़का नौकरी लग गया जी, नौकरी वाली देख ली जी, ठीक है जी, और भाई नौकरी वाली देखोगे तो भाई सबके अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट और बोलते एक भाई साहब सिस्टम। मैंने रोहतक की लाइब्रेरी है जी एक, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे वहाँ आके सुबह चाय पीना बैठना शुरू करते हैं, शाम तक बैठते हैं, वो रात में लेट घर जाते हैं। मैं भाई तुम सारा दिन यहाँ क्यों बैठे रहते हो? बोला भाई साहब सारे यहाँ के घराली नौकरी वाली हैं, ठीक है तो चौधर किसी की कुछ है नहीं, अपना आड़े चुपचाप चाह मंगाई पी ली घर जाएंगे, रोला रब्दा हो जाए, उस से बचने के लिए यहाँ टाइम पास करते हैं। तो बराबर में जो नौकरी वाली आ जाती है ना सर, उसमें थोड़ा सा मामला बिगड़ता है। मतलब अब उसमें कोई उस तरह की महिला नाराज हो जाएंगी, बोलेंगी भाई साहब ये तो ऐसे बोल रहा है। मगर मैंने देखा है, प्रैक्टिकली मैंने देखा है ये चीज़ हुई है, और थोड़ा सा ना फिर मामला गड़बड़ा जाता है जी। हाँ, उम्र कितनी है आप? मेरी तो जी उम्र आज कितनी तारीख हुई, 31, कल परसों 40 का हो जाऊँगा जी मैं। हाँ परसों 40 का हो जाऊँगा। आपको चिंता 55-60 वालों की रहती है? 55-60 वालों की चिंता तो मतलब भाई देखते हैं माहौल जो समाज का आसपास का, बस तो उसमें क्या बोल। हर रोज मैं देखता हूँ आप कौन सी डेट पे जाते हैं, नई टी शर्ट डालोगे और यूं कहोगे मैं तो डेट पे जा रहा हूँ कितनी डेट है आपके पास? अरे सर ये मतलब ना वो क्रेडिट कार्ड में कूपन इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो सारे क्या बोलते हैं क्रेडिट कार्ड वाले के जी भाई साहब पैसे नहीं देंगे, शुरू में ऑफर कुछ बताया होता है तो मेरे पास भी एक कार्ड है, वो बोलते हैं जी कुछ ना कुछ खरीदो आप फलानी दगड़ी कंपनी से, तो वो खरीदें तो क्या खरीदें उस पर। तो एक दिन बोला जी खरीदते खरीदते टी शर्ट देखी, उन्होंने ले ली 399 रुपये में, फिर देखा तो फिर भी बच रहे हैं पैसे, अब और क्या लोग ऐसे करते करते माल चला आने दे भाई, 3-4 टी शर्ट मंगाए से खरीद ली, और तो क्या सर डेट वेट का कोई चक्कर ना। पर आप तो कहते हैं आज मैं डेट पे जा रहा हूँ, और आपके तो बड़े छोटे छोटे लड़के हैं साथ में मिल के, भाई साहब आप ये यूज़ करना आप ये लेके जाना, बड़ा मनोरंजन है आपके लिए। नहीं वो तो मैं उसे मजाक में लिखते हैं भाई साहब केड़े लेके जाऊँ घेवर लेके जाऊँ तो सर देखो सोशल मीडिया में ये है कि लोग आपको छेड़ते हैं, हम भी लोगों को छेड़ते हैं भाई, इतने भले तो हम भी नहीं हैं तो वो एक अपने आप का एक माहौल होता है, अपने मेरे पेज का माहौल, मेरे साथ जो लोग कनेक्ट हैं वो जानते हैं मजे लेने। ठीक है जी, नया आदमी सोचता है भाई साहब ये पता नहीं कैसी बात लिख रहा है, ये तो इतना न्यू है इसको लिखनी नहीं चाहिए, कोई कोई आता है। आपने अपनी फेसबुक को उस बुढ़े ताऊ के ओके की तरह कर लिया जिसके पास बड़े भी बैठते हैं छोटे भी बैठते हैं, सार डाल गए जी अपने पास, मगर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो लोग मेरे को समझते हैं। ठीक है जी, वो लोग मन समझते हैं और मैं भी कहीं ना कहीं बहुत से लोगों को समझने लग गया हूँ उनके, भाई जान पहचान सी होगी है जी, बहुत सारे लड़के लड़कियों से जान पहचान होगी कि जो रेगुलर मेरे पास कमेंट में दिखते हैं वो जानते हैं मेरे को और मैं उनको जानता हूँ।
पता नहीं, मैंने तो कई लड़कियां भी देखी हैं, कहते हैं आज तो मेरी डेट भोपा भाई से अच्छी रही। अब वो नहीं पता चलता सर, देखो अवासिंग या स्वीटी है वो आपको मतलब इसमें जांच करनी पड़ेगी। स्वीटी अवासिंग मिलती है और अवासिंग स्वीटी मिलता है। अच्छा, ये अवासिंग ऐसी हवा फैला रहे हैं आपके। हाँ मतलब आपको नहीं पता चलेगा, ऐसा धोखा होता है जी। मेरे साथ भी हुआ है शुरू शुरू में, आईडी ब्लॉक होती है। शुरू शुरू में मन ने भी चैटिंग सी करी, बाद में पता लगा तो अवासिंग था यार। फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ा, मतलब अब तो मैं जो शुरू में हाई आती है ना इनबॉक्स में उसी से समझ जा रही है आवासिंग है स्वीटी है। मुझे यार बस रहन दे यार, अब तो मेरे है ना कि मेरे साथ। ये बड़ा जानना चाहते हैं कि आप इंस्पेक्टर तो हैं, ये तो लोगों को पता चल गया, पर आप हरियाणा पुलिस में हैं, दिल्ली पुलिस में, कौन सी पुलिस में इंस्पेक्टर हो आप? अरे सर मैं इंस्पेक्टर तो मतलब क्या डिपार्टमेंट का क्या बताना भाई, किसको क्या बताना। फिर उसमें पूछूंगा भाई साहब ये कौन सी वर्दी पहन रखी है आपने, ये कौन सी, इतने सवालों के जवाब तो मैं महकमे में नहीं दिया करूँ। भाई साहब ये तो दिल्ली पुलिस में है। ना जी ना, ये बोला हरियाणा पुलिस में है। फिर एक आएगा भाई साहब ये CISF में, देखो लाल रिबन है। तो फिर मैं धीरे से कुछ लिख देता हूँ, भाई साहब के बतला गए, मतलब तुम के बतलाने लग रहे हो, ऐसे लिख देता हूँ मैं, मतलब क्या बताऊँ कौन से डिपार्टमेंट में, यार छोड़ो ना भाई, बस जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। लोगों को तो वर्दी में तो दिखते हो पर पता तो चले वो है क्या। आज तो ये राज खोल ही दो। मैं एक पैरामिलिट्री ऑफ फोर्स का हूँ और मैं CRPF में हूँ। अभी फिलहाल मैं कहीं डेपुटेशन पे हूँ, मतलब वो बताना मैं ज़रूरी नहीं समझता, बस ये है कि मैं पैरामिलिट्री का हूँ और CRPF का हूँ। फिलहाल मैं कहीं डेपुटेशन पे हूँ बस, और दिल्ली में ड्यूटी करता हूँ। ठीक है जी। आप पार्ले जी का बड़ा प्रचार करते हैं। पार्ले जी क्या है सर? देखो कुछ पैसे वैसे ले रखे हैं या वैसे ही समाज सेवा? वो तो एक मतलब जस्ट एक पोस्ट डाली थी जी मैंने, है ना। पार्ले जी जैसे रेड लाइट पे होता है, रेड लाइट पे आपको बच्चे मिलते होंगे, आप उनको कुछ पैसे दे देते हो, पैसे दे देते हो तो क्या होता है वो पैसा कलेक्ट होकर के एक आका के पास चला जाता है, उससे वो बढ़ता है जी, मतलब बच्चों की तस्करी बढ़ती है, नए नए बच्चों को फिर काम पे लगा दिया जाता है। मेरा कहने का मतलब, एक पोस्ट डाली थी मैंने बहुत पहले, तकरीबन 2 साल हो गए उस बात को, तो कि भाई आप पैसे ना दे करके उनको कुछ खाने का सामान दो और वो पैकेट भी खोल के दो, मैं अपनी गाड़ी में ये रखता हूँ। मैंने एक मतलब थोड़ी सी बात लिखी थी, और ऐसे में मतलब ये होता है कि भाई जैसे लड़कियां होती हैं उनको दे व्यापार में धकेल देते हैं, बाद में जब वो बड़ी हो जाती हैं उनको लोग भीख देंगे नहीं रोड पे, छोटे बच्चे हैं वो, उनके पास एजुकेशन होती नहीं है, वो लोग चक्कू मार बन जाते हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ है उनकी भूख, आपको जो दूर करनी है वो आप खुला मतलब जो भी है खोल करके सामान दे दो खाने पीने का, पैसे मत दो, मतलब मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये था। मगर जो सोशल मीडिया के कुछ गैंगस्टर हैं उन्होंने भाई साहब ये देखिए 5 रुपए के पार्ले जी में बन रहा चौधरी, ये चंदा जो चंदा गैंग्स है ना वो, मतलब उनको लगता है कि चंदा मांग मूंग करके मतलब तुम 11,000 रुपये दे रहे हो, 1,00,000 रुपये दे रहे हो। वो चोर बाजारी करने वाले लोगों का क्या कहना था कि जी बस हम ही चला रहे हैं, मतलब ना सेवा हम ही कर रहे हैं। अरे मखा भाई तुम कर रहे हो, कि तुम्हारे जैसी सेवा हमारे बस की नहीं है, हम तो एक सलाह दे रहे हैं सिर्फ कि भाई 5 रुपए के मतलब इससे भूख मिट जाती है बस। मैंने आपकी कई चीज़ें हैं, मैं आपके पेज को जब देख रहा था मुझे इसीलिए मैंने आपसे कॉन्टैक्ट किया भाई मैं आपसे बात करना था। आपके अंदर एक खास बात है, आप समाज सेवा करते हैं वो भी हंसते हंसते कर लेते हैं मजाक के तौर पे, किसी की मदद करने जाते हैं उसको भी मजाक के तौर पे करते हैं, यानी कि आप सीरियस समाज सेवी नहीं है यार। नहीं सीरियस क्या है सर, मतलब देखो मतलब कुछ लोग होते हैं भी सीरियसली दिखा के बाद में मैं तो चुनाव लड़ूंगा फलाना लड़ूंगा, आप उस तरह के नहीं हैं, आपको तो सिर्फ ये है कि मजाक में काम कर देना लोगों का। भाई जिसको जो लड़ना हो लड़ो भाई, खूब आराम से खूब लड़ो, हमें कुछ नहीं लड़ना है सर, है ना जी। बस लड़ाई वड़ाई करी ग्रेजुएशन तक, घर वाले क्या करते भाई साहब पढ़ ले नहीं तो तू भूखा मरेगा। मैं मन में सोचा करता था कि भाई साहब साला जाकर मैं भूखा मर गया तो मतलब 90% दुनिया ख़त्म है। मैं तो देखो सीधी बात है कहीं भी खा कमा सकता हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं है किसी भी काम में, और ना पहले थी, मतलब मैंने कुछ एक काम शुरू किया था छोटा सा जब कॉलेज टाइम में भी, मैं किसी ने भी मतलब ये मल्टी लेवल मार्केटिंग होती है ना ये मेंबर बनाने वाली, मैं चलती बस में प्लान समझा दिया करता सर भाई गोड, मतलब मेरे में कोई शर्म नहीं वो कुछ नहीं अपना सीधी। तो मगर अगर मैं भी भूखा मर गया तो 90% दुनिया ख़त्म है जी, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, बाकी आराम से मजे करो जी अपना। हाँ इसमें ये भी कह सकते हैं लोग, भाई साहब आप तो नौकरी लगे हो, ज्यादा इसी बात कर रहे हो,
तो मैं नहीं भी लगा होता तो भी शायद मैं ईसाई कुछ होता, ऐसा कोई टेंशन नहीं के बारे में। आप समाज से भी कुछ लोग होते हैं, काम करते हैं, आप किसी को पेटीएम गैंग कह देते हैं, कभी चंदा चोर कह देते हैं, ये क्या ज़रूरत है? आप इतने हंसते खेलते आदमी किसी को भड़क दे दो, मतलब काम की बात में आपने 10 मिनट लगा दी पूछने में। हाँ, समाज से भी। अब सोशल मीडिया पे लोग क्या करते हैं जी, अपना ट्रस्ट बना लेते हैं, अपने वाइफ को शामिल कर लिया, अपने एक दो जनों को जो खास लोग हैं उनको 4 लोग मिले, ट्रस्ट बना दिया जी। अब वो समाज से किसी गरीब का घर दिखाते हैं, किसी लड़की का दिखाते हैं, इसकी शादी करनी है जी, ये करना है जी, इसकी मदद करनी है, अपना खाता नंबर डाल देते हैं, वीडियो को शेयर करो जी, शेयर करो जी। वो मतलब 1000-2000 रुपये में उन्होंने कई सारे लड़के रखे होते हैं। अच्छा। बिल्कुल, ये मेरी पूरा मतलब तथ्य के साथ बोल रहा हूँ मैं। ये लोग क्या करते हैं, पूरा गैंग है इनके पास, व्हाट्सएप पे इनके ग्रुप होते हैं, 10 ग्रुप बना रखे हैं, 200-200 बंदे जोड़ रखे होंगे, उनको बता देते इतने बजे लाइव आएंगे, इसको शेयर कर देना। ऐसे फर्जी लोगों की आप शेयरिंग देखना, पता नहीं कितनी मिलेगी। और वीडियो को धीरे धीरे, अब तो फर्जीवाड़े का हमने थोड़ा बोलना शुरू किया तो धीरे धीरे बातें बाहर आई। तो इनका ये है कि भाई अपना खाता नंबर दे दिया और पैसे ले लिए। अब वहाँ पे 11,000 रुपये, 21,000 रुपये पकड़ा दिए, किसी के पास कोई हिसाब नहीं है कि भाई पैसा आया कितना था। उसमें फिर नौटंकीबाजी करना, किसी कोई आदमी कुछ पूछता है तो उसको धमका देना। उसमें क्या होता है कि ऐसे फर्जी लोगों के साथ फिर फर्जी लोग जुड़ जाते हैं, 5-7-10-20 जने रहेंगे उस साथ में, नॉर्मल आदमी की हिम्मत नहीं पड़ती है। और एक दो फर्जियों को मैं जानता हूँ जो आप जिसे पत्रकारों की ना वीडियो कटवा देते हैं, उनको बोल देते हैं, मतलब वो खुद नहीं फ़ोन करेंगे, उनका चेला चपाटा फ़ोन करेगा, शर्मा जी देख लेना, आपने भी जाना है, आपके भी बाल बच्चे हैं। अच्छा। तो आदमी भाई साहब हटा देता है वीडियो। और मैंने खुद मतलब ये चीज़ें देखी, ऐसी धमकियाँ भी, ऐसी बिल्कुल धमकी दीजिए एक पत्रकार को, और मतलब आज तक मेरे पास रिकॉर्डिंग है, बट वो चीज़ें नहीं है, अगर रिकॉर्डिंग सुना देना प्राइवेट में तो हम आपको बिल्कुल सुना सकते हैं। जो मैंने देखा वहाँ सोड़े यार, ऐसे लोग मतलब ये आज ये समाज सेवी बने हुए हैं, ये युवा इसको क्या समझता है कि जी अच्छा आदमी है, उसको एक मार्गदर्शक मानता है, मगर ये साले मतलब आज काबू नहीं आ रहे तो कल को तो ये नेता बन जाएंगे जी, बड़े बड़े फिर ये बोलेंगे जी, उनका क्या कहते हो, तुम नेता का हिसाब ले लो ना, तुम उसका MP का हिसाब ले लो, अबे उनका हिसाब तो ले लेगी पब्लिक। तुम आज जो भी समाज सेवी का चोला उड़ के बैठे हो, अपना खाता नंबर डाल देते हो, तुम आज पत्रकार की वीडियो कटाते हो तो धमका देते हो। इसमें एक बात तो आपको समझनी चाहिए कि मान लो कोई आदमी इस प्रकार से लोगों से पैसे इकट्ठे करता है, कुछ लोगों की मदद तो करते ही हैं भाई, मान लो उन्होंने 100 रुपये लिए, उसमें से 70 रुपये की मदद कर भी देते हो, 30 रुपये रख भी लेते, क्या फर्क है? वो 70 की कर दे तो कोई बात नहीं, हम भी मान लें 10-20% आदमी खा जाता है। इसका सीधा सीधा है कि मतलब नहीं जी, बस देते ही 10% हैं, जो मेरे पास बिल्कुल है, मतलब जो पुख्ता तौर पर बोल रहा हूँ मैं, 10-15% देते हैं आगे, ठीक है जी, बाकी फिर ये 10-15% खर्चा करते हैं अपने उस चेले चपाटों पे, जो इनकी जो शेयरिंग गैंग है ना, जो शेयर टू ग्रुप गैंग, उनको देते हैं ये खर्चा देते हैं ये। फिर जो इनके पास जो मतलब 5-7 रहते हैं ना, वो मतलब हमारे पास इतना बड़ा भाईचारा है, वो भी 15-20 जने लौटे रहते हैं, तो उनका भी खर्चा होता है, वो भी घर छोड़ के बैठे हैं, तो 10-10-20-20 हज़ार रुपये वो भी लेते हैं। तो ये सिस्टम था जी मतलब ये, और इसके पीछे फिर कुछ और धंधे, मतलब ना आप सोच नहीं सकते, मतलब वही ऐसी गुप्त रोगों की टाइप से दवाइयाँ वगैरह देना। अबे यार मगाई यहाँ तक भी, चलो तुम समाज के पैसे खा लो कोई बात नहीं, समाज को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बड़े बड़े लोगों ने पैसा खा लिया समाज का, समाज को कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। 4 दिन बोलेंगे फलाना UP वाला खा गया जी, दकड़ा जो भी हिमाचल वाला खा गया जी, वो खा गया जी, वो खा गया, चलता है। बट उसके पीछे मतलब आप बड़े बड़े क्या जी फलाने, हम तो मतलब इतनी बड़ी डिग्री धारक हैं, ये हैं वो हैं, और है कुछ नहीं, वो मतलब यंग बच्चों को मैनिपुलेटेड दवाइयाँ देना। और आप ऐसी शिकायत नहीं कर सकते जी कि वो जिस बीमारी के बारे में, बीमारी की दवा ले, उसका बीमारी के बारे में सर आप अपने घर वालों को नहीं, यार दोस्त को नहीं बता सकते, आप वहाँ पे शिकायत क्या करोगे? और फिर उनके पास तो 10-20 जने होते हैं जी, आप शिकायत करोगे तो उड़े कूट देंगे आपने। अगर बस क्या बात हज़ारों तक है, लाखों तक है कि मामला बड़ा है सर? अब मामले का तो हमने भी क्या करना था, हमने तो मतलब जहाँ तक पता लगा हमने बताया, हमने ये बताया कि भाई ऐसा नहीं है कि जी मतलब सोशल मीडिया पे तुम ही हो, कल तक हम तुम्हारी तारीफ भी करते थे, मैंने तो खुद करी हुई, एक समाज सेवी था उत्तर भारत का मशहूर समाज सेवी, हमने खुद तारीफ की हुई है कई बार, मतलब अपना लाइव में जो भी नहीं,
मगर जब गलत का पता लगा तो भाई साहब रुका नहीं गया हमसे भी, हमने बोल दिया जी फिर ठीक है। फिर ऐसे लोग क्या करते हैं जी, मतलब ओहो तेरी तो लाइफ में ये है जी वो है जी, कोई भी इनके बारे में अगर सवाल पूछता है ना तो फिर इनको अगर कुछ नहीं मिलता तो ये उसकी निजी लाइफ में कूद जाते हैं, मतलब उसकी निजी ज़िंदगी में से कुछ 19-20 सबकी में मिल जाता है जी, आपके पीछे पढ़ूंगा तो जी मेरे को भी कुछ मिल जाएगा, ओहो आपका तो कॉलेज टाइम में ये चक्कर था जी, तो उस मतलब अच्छी हरकतों पर आ जाते हैं लोग ठीक है जी, और तो कुछ मिला नहीं तो इस तरह से मतलब बकवासबाजी शुरू करी। पर आप तो उनके भी उस्ताद निकले। मैंने उनको फिर बताया भाई तुम क्या बता रहे हो भाई, हम तो खुद ही बता देंगे जो तुम कह रहे हो कि जी ये कौन है जी वो कौन है जी, हम तो खुद ही बता देंगे टाइम आने पे बताएंगे, मगर ऐसा नहीं। आपने फोटो डाली फेस ब्लर करके, तो बता भी दो ऐसा जब इतना आप में बड़ा दिल हो गया जब इतना कर लिया तो बता भी दो कौन है वो। नहीं 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 ये ऐसी ये सीक्रेट है जिंदगी का। नहीं नहीं भाई क्या बोलते हैं उसमें मतलब ना इस क्या वो आश्रम में भी डायलॉग है इस निम्न स्त्रीय कार्य की उच्च स्त्रीय जांच होनी चाहिए। आश्रम से बड़े प्रभावित सर देखो मैं बॉबी देओल का फैन हूँ ठीक है जी, और एक फिल्म आई थी बॉबी देओल की सोल्जर वो मैंने 27 बार देखी हुई है। अच्छा। मतलब ये बात है 1998 की। हाँ। और बॉबी देओल का मैं फैन रहा हूँ, बहुत दिनों बाद एक अरसे बाद उसकी सीरीज आई मतलब कुछ इस तरह से, और वो एक चर्चित सी उस पर बनी हुई है जो कि हरियाणा में यार बड़ा एक जबरदस्त मुद्दा था उस टाइम पे, तो नेचुरल है सर सब देखे आपने भी देखे। उस फिल्म को कितना अडॉप्ट किया आपने, भोपा भाई के तौर पे या बाबा के तौर? नहीं नहीं अडॉप्ट अडॉप्ट कुछ नहीं किया सर, अडॉप्ट तो किसी को करने की जरूरत है क्या अब इस उम्र में, हम किसको अडॉप्ट करें कुछ ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं, अडॉप्ट करना नहीं होता। हाँ देखी कोई चीज एंटरटेनिंग में हमें मतलब टॉम एंड जेरी भी लग सकता है, मैं आज भी टॉम एंड जेरी देखा करूँ कई बार। सारी जितनी भी आपकी बातें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, सीरियस कुछ नहीं। एंटरटेनमेंट 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 हाँ, उससे कुछ आपको सीखने को मिले तो सीख लो ना, तो भाई कोई जरूरी नहीं सीखना वीखना। छोटा भीम भी देखते हैं हम, बच्चों के साथ लेटे होते हैं छोटा भीम चुटकी ये वो ये भी देखते हैं, कुछ और भी देखते हैं, बाबूजी के साथ लेटे होते हैं खबरें भी देखनी पड़ती हैं, अब मेरे बाबूजी खबरें देखते हैं वो जब खाना खाते हैं बैठे होते हैं तो वो भी सुनते हैं, और यो देख वो कर रहा वो देख वो कर रहा है, मत छोड़ो ना। आपको पसंद नहीं है खबरें सर? मतलब टीवी पे नहीं देखते आजकल ना ज़्यादा, हाँ फोन पे ही चलता है आजकल ना। हाँ अच्छा मैंने एक चीज़ और आपकी देखी है कि किसी की मदद के लिए जब आप जाते हैं हंसी मजाक में, वहाँ पे भी मुझे आपकी जो अच्छी बात लगती है आप सीरियस बात को भी मजाकिया तौर पे लोगों के तक अपनी बात पहुँचा देते हो। अब जैसे एक लड़की का देखा था मैंने, खिलाड़ी थी, उसकी मदद के लिए आपने अपने ग्रुप को इकट्ठा किया और मजाक मजाक में आप मदद भी कराई। सर और क्या बोले मतलब उसमें जो भी मैं तो इसी साथ वो सीधा कति माइक देख करके बोलते रहो तो अपने से होगा नहीं मतलब ना, मैं तो ठीक है भाई जो मेरे से जुड़े हुए मैं उनसे बात करता हूँ, मतलब एक तरह से उन्हें भी थोड़े थोड़े स्वाद आने चाहिए, मतलब आजकल क्या है सर अकेला ज्ञान नहीं चलता। मैंने सोशल मीडिया पर ऐसे क्रांतिकारी बुद्धिजीवी देखे हैं सर जो इतना लंबा चौड़ा लिख देते हैं, और सही पूछो मैं उनको ऐसा बोलना नहीं चाहता, बड़े ज्ञानी लोग हैं मगर वो 15 लाइक आ जाकर वो पोस्ट दब जाती है जी। सोशल मीडिया क्या है जी, सोशल मीडिया पे ये तड़का, बिना तड़के की दाल लोग पसंद नहीं करते, यहाँ पे आप उस तड़के में थोड़ा सा ज्ञान पेल सकते हो, यहाँ पे 85% चाहिए तड़का 15% ज्ञान, जो बुद्धिजीवी लोग क्या करते हैं वो 100% ही ज्ञान दे देते हैं तो वो बात दब जाती है। सोशल मीडिया मेरा कई बार मन करता है कि मैं सोशल मीडिया चलाने के बारे में लोगों को बताऊं, भाई जब ये जो मैंने देखा है इसको चलाएं कैसे, हाँ चलाएं कैसे इसको, लोग क्या करते हैं जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं जब विचार आया तुरंत लिख देते हैं, हर 10 मिनट में विचार आएगा जी उनके, तो बड़े लोग लिख देते कोई नहीं देखता उनको। सोशल मीडिया पे 3 से 4 पोस्ट डालनी चाहिए, 3-4 घंटे का गैप रखो ताकि आपको अच्छी रीच मिले। आज दे जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो उनकी जो आईडी हैं वो पब्लिक ही नहीं है, सिर्फ पर्सनल हैं और लेख इतना लंबा चौड़ा, तो पब्लिक करो अपने विचारों को आगे लाओ और उसको चीज से आप कनेक्ट हो। विचारों से बात है, मैं कई बार आपको देखता हूँ, कभी आप झुग्गियों में जाके डांस करते हैं बच्चों के साथ, कभी किसी के साथ दी में जाके, ये डांस का बड़ा शौक है आपको सर? जाते कहीं नहीं है, जो आप झुग्गी की बात कर रहे हो, मैं जहाँ पे दिल्ली में जिस कैंप में रहता हूँ उस रोड पे दूसरी साइड फुटपाथ पे लोग रहते हैं सर, और जहाँ से हम लोग ऑटो वगैरह पकड़ते हैं, व्हीकल पकड़ता हूँ, बस पकड़ता हूँ मैं, उस रोड पे वन साइड तो ब्लॉक है, झुग्गी वाले वहीं रहते हैं सारा दिन रोड पे रहते हैं वो। अब जब भी आना जाना होता है तो नेचुरल है उनका टेंट लग रहा है, आज के प्रोग्राम है वो, आज हमारा ये ऐसे ऐसे है, मैं भी देखने लग गया तो धीरे धीरे वो बच्चे जानने लग गए ऐसे ही आज बस जी। फिर तो जी आप एक अफसर हैं और फिर उन बच्चों के बीच में जाके इस तरीके से मस्ती करेंगे, तो वो तो मेरे कौन सा वर्दी फाड़ रहे हैं मतलब बच्चे भाई, ठीक है जी हम भी ड्यूटी करके आए हैं, हमने भी मतलब देख रहे थे, हम एक दिन की बात है मतलब ऐसे देख रहे थे,
तो फिर देख रहे थे हम चुपचाप। उससे पहले एक बार वो बच्चे मतलब क्रोड पे खेल रहे थे सर, अब उसमें लोगों को लगता भाई साहब बड़का साहब ये बड़ा अच्छा, अबे कुछ नहीं नाच रहा था। अगर एक्चुअली मैं जो फर्स्ट टाइम की बात बताऊं सर, मैंने वहां पे गाड़ी खड़ी करनी होती है, खुश बड़े होते होंगे सर, गाड़ी खड़ी करनी होती है मेरे को जैसे यहां पे जी। अब मैंने हॉर्न बजाया उनको, भाई साइड हो लो थोड़ा सा, खिड़की खोल करके, तो गाड़ी में अंदर म्यूजिक चल रहा था और बच्चे मैंने हटाने थे, भाई साहब थोड़ा साइड हो ले यार मेरी गाड़ी खड़ी हो जाएगी यहाँ पे, और गाड़ी का म्यूजिक सुन करके उन्होंने बोला सर हम नाचेंगे नाचेंगे। तो मैंने भी माँ ठीक भाई नाच लो। फिर जब उनको नाचता देख के सर हम कहा हम भी नाच लें भाई साहब। तो ऐसे ही सर वीडियो बन गया, वीडियो मिल गया तो भाई साहब लोगों ने देख लिया, ओए सर आप तो बहुत अच्छे हो, आप तो बहुत बच्चों के गरीबों के साथ नाचते हो। भाई कुछ नहीं नाचता, मजबूरी थी समझ लो। फिर क्या है कि बच्चों के साथ एक कनेक्शन सा हो जाता है, बच्चे पहचान लेते हैं सर। फिर उसी बस्ती में से जाना होता है डेली, मतलब उसी रोड से जाना है अपने को, तो शादी में फिर नाच लिए। आप इतने मस्त मौला हैं, आपके अफसर या आपके जूनियर कहते नहीं हो गए सर आप इतने खुलापन से कैसे मजे ले रहे हो? नहीं कोई कुछ नहीं कहता, मतलब ऐसा कुछ तो कोई मेरे को कहता नहीं। खुश रहते हैं आपके दोस्त जो आपके जो स्टाफ के लोग रहते हैं वो खुश रहते हैं आपके सारे पोस्ट देख के? वो नौकरी अलग चीज़ है सर, ये अलग चीज़ है, हाँ ये अलग मामला है। अच्छा। अब इसमें हाँ बहुत लोग आप जो भी भाई साहब ये तो सारा दिन ऑनलाइन रहता है तो फिर आप कैसे कर लेते हो? तो मैं मजाक में लिखता हूँ भाई साहब मैंने इसके लिए एक लड़का रखा हुआ है। मतलब नहीं नहीं आप नौकरी कब करते हो? वहाँ नौकरी के लिए तो मैंने एक लड़का रखा हुआ है। अरे यार सोशल मीडिया पे नेट ऑन रहता है, ऑब्वियसली वो हरी बत्ती दिखाता रहता है। अब हम पोस्ट तो दिन में एक या दो डालते हैं सर, ऐसा तो है नहीं कि मैं सारा दिन ऑनलाइन बैठा रहता हूँ। फिर माँ पता नहीं क्यों बोलते यार सारा दिन ऑनलाइन रहता है, भाई ऑनलाइन तो सभी रहते हैं आज की डेट में। नहीं होगा काम भी ऐसा ही होता है कि भी नहीं सर नेट आपका ऑफ होता ही नहीं होगा आज की डेट में, तो नेचुरल हो हरी बत्ती दिखती रहती है जो वैसे भाई ऑनलाइन है। या तो आप लॉग आउट करके बैठो, अब लॉग आउट कर दे तो मैं तो मेरे से नहीं होती, कौन क्यों लॉग आउट करें, अपने फ़ोन में सबकी फेसबुक खुली रहती होगी, तो ऐसा ही कुछ होता होगा। कई बार कुछ लोग एंटी भी लिख देते हैं पर आप उनको भी मजाक में टाल देते हो कभी? कई बार एंटी तो कोई है ही नहीं सर, कोई एंटी नहीं है सर, ना ना। और ऐसे मतलब ना सर वेरी नाइस सर, ये एक टाइम ऐसा था कि सर बहुत अच्छा बहुत अच्छा सर, ऐसे कमेंटों में मजा ही नहीं आता, मतलब सही पूछो ना। मैं अरे ये तो कंट्रोवर्सी में मजा आता है, ये तो ना ना कंट्रोवर्सी नहीं, मत ये शुगर कर दोगे तुम, इतना प्यार मत करा करो। इतना प्यार अच्छा नहीं होता, तुम तो शुगर कर दोगे यार। और बताओ सर। चलो भाई आज संदीप भाई से मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट की थी मिलने की, और आज डेट पर हम दोनों ही जाने वाले हैं। अरे सर वैसे ही लिख देते हैं मतलब ना कि भाई डेट और तारीख में क्या फर्क है। हाँ। तो विचार मतलब लोगों ना विचार बड़े हैं सर, ये भी फर्क है डेट और तारीख में फर्क क्या है? मैं ये कह रहा हूँ सर आप कुछ भी लिख दो, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कुछ भी लिख दो आप, आपने वो चीजें सोची भी नहीं होंगी, लोग ऐसे ऐसे विचार देंगे आपको, ठीक है जी। आपको लिखने के लिए आप ऐसी ऐसी बातें कहाँ से लाते हो जी, कैसे सोचते हो जी? अबे भाई मैं कुछ नहीं सोचता, मैं तो आपकी जब ये आपके तो मिल जाता सब कुछ, आपकी जब ये डेट वेट की बात आती होगी तो भाभी जी या परिवार वाले भी तो लठ जाते होंगे। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मतलब जो भी है मैनेज कर लेते हो। बापू तो पूछता ही होगा ना कुछ हो रहे हैं केड? बापू कुछ नहीं पूछा रहे, बापू अपना कुछ नहीं पूछते हैं। ना ना आप क्या पूछेंगे सर, देखो हम भी बापू हैं अब तो। जब हम भी बापू हो गए तो बापू नहीं पूछता, बापू जब तक चिंतित होता है बच्चे का जब तक वो बापू नहीं होता है। भाई भतीजे और उनके भी तो कहीं ना कहीं कहते होंगे चाचा डट जा। ना ना कोई कुछ नहीं कहता सर, मतलब मेरे को कोई कुछ नहीं कहा अगर, और मैं घर कम जाया करूँ, मैं दिल्ली रहता हूँ मतलब मोस्टली, मैं कभी कभी आया करूँ मतलब रोज तक, तो ऐसे ही है सर बस। तो भाई संदीप बुलारा भाई जी से आज सच में मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा था, आज हमने बातचीत ही करी है, क्योंकि ऐसे जिंदा दिल इंसान सच में बहुत कम होते हैं। जब आप कोई काम करते हैं नौकरी करते हैं उसकी इतनी फ्रस्ट्रेशन रहती है, लोग इतने तनाव में रहते हैं, पर ये बंदा मुझे फेसबुक पे एक ही बंदा हरियाणा का ऐसा मिला जो अपनी नौकरी को भी ठीक तरीके से कर रहा है और लोगों को इंटरटेन भी साथ के साथ कर रहा है, और वो भी ना इनको कोई लालच है कोई और है, समाज सेवा का भी इनका एक अपना तरीका है। मैं तो कई बार ही कहता हूँ लोगों को कि संदीप बुलारा से सीखो भाई, मज़ा आ जावे, हर चीज़ का किसी को दबाव रखना नहीं, कोई कुछ कर रखना नहीं, मौज करो। तो बाबा जी एक बार जब नाम कह दो बच्चों को कुछ बता दो, आखिर में क्या कॉमेंट करो कैसे क्या जिंदगी जिए जिस तरह आपकी है मस्त मौला रहे। जिंदगी मतलब ऐसे जियो के 70-80 साल की उम्र में
चारपाई पे पढ़ के ये ना सोचना कि पढ़े कि भाई साहब मैं उस टाइम अगर ऐसा कर लेता ना तो ये हो जाता, और उस टाइम ऐसा कर लेता तो वो हो जाता। जो दिल में आए वही करो, ठीक है जी। दुनिया तो कुछ ना कुछ तो बोलेगी, किसी का दिल ना दुखाओ। हाँ, दिल जानबूझ के किसी का मत दुखाओ, अनजाने में गलतियाँ किसी से भी हो सकती हैं। सिंपल सी बात, मासलो थ्योरी है सर। सर बातें बहुत है मेरे पास ना इसको। अब ना देखो, 10 साल का बच्चा क्या सोचता है सर, साइकिल के बारे में सोचता है। 20 साल का बच्चा कॉलेज में आ जाता है, बाइक वगैरह के बारे में सोचता है या गाड़ी वगैरह के बारे में। वो मतलब बड़ी बड़ी बातें करता होता, मर्सिडीज, ऑडी, ये वो। 20 साल के बच्चों की ना आप सुनोगे तो इस तरह की मिलेंगी, मिलेगी उनके पास बाइक। आफ्टर दैट मतलब 30 साल का होता है तो वो आ जाता है स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो पे कि भाई साहब ये ठीक है, ठीक है जी। जो 40 साल का है मेरे टाइप का है वो सोचता है कि मारी जो है वैगनार किसी मतलब मर्सिडीज से कम है क्या। मतलब ये एक स्टेज ऑफ लाइफ है। फिर क्या होता है, 50 साल का आ जाता है कि यार ठीक है यार मेरी ये मतलब जो है ना सही चल रही है गाड़ी, मतलब यार सही चल रही है, उसके पास कोई बाइक भी होगी यार सही है यार मेरा काम चल जाता है। 60 साल का वो रिटायरमेंट की स्टेज पे होता है, यार नहीं यार मेरे को इतना ही जाना होता है, मैं वॉकिंग करके भी चला जाता हूँ या मेरे पास बाइक भी है। आफ्टर दैट 70 साल का तो क्या है सर, 70 साल का तो मतलब जो ये 70-80 साल का तो ऐसे होता है भाई साहब मेरा मतलब जो खंगार का कटोरा खा मतलब बुला दिया। तो लाइफ का सिर्फ एक सिस्टम है, यही है। तो अब आप देख लो कौन सी लाइफ की स्टेज में हो, और आप लोग भी भाई साहब देख लो कौन सी लाइफ की स्टेज में हो। ये मासलो थ्योरी भी है सर, एक मासलो थ्योरी में 6 स्टेजेज ऑफ लाइफ हैं, उसमें भी कुछ इस तरह का ही है। चलिए शुक्रिया संदीप जी, आपने बड़ा सुना देना। संदीप नहीं, मैं पूरा दिखाऊंगा, कोई एडिट नहीं करूंगा, क्योंकि आप सोच समझ के ही बोलते हैं। तो भाई जो संदीप बलारा भाई ने बताया इनके लाइफस्टाइल को लेकर के, आप क्या सोचते हैं, क्या हर आदमी को ऐसे जिंदा दिल जिंदगी जीनी चाहिए बिना टेंशन के, काम करो और मस्त रहो, आपकी क्या राय है और आप किस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताइएगा। ओले सोले हाथ में भाई शेयर कर दिया इसको। ओले सोले हाथ ना, ना ओले हाथ का बटन है जो भी है भाई साहब झज्जर में है, और सोले हाथ का बटन सोनीपत में है, और उसको नीचे बादल ये मन ने नहीं कहना है भाई साहब। सर सर नहीं, झज्जर में है सर ओले हाथ का मतलब जो बटन सर, ठीक है सर, ऊपर सोनीपत में है सोले हाथ का बटन, और वो बादलगढ़ तक मतलब जो है बहुत सारे ग्रुप है उनमें सब में शेयर टू ग्रुप कर दो भाई। पहली बारी शेयर टू ग्रुप हो रही है हमारा, देखते हैं भाई कितना शेयर टू ग्रुप करते हो। शुक्रिया साथियों आप सभी का सत्य खबर से जुड़ने के लिए, धन्यवाद। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।